हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आप पहुंचे अभी चंद्रा MIDC यहाँ पे, एक बड़ी सी फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर एक स्नेक दिखाई दिया है जो सर ने हमें कॉल किया था। तो सर आपका नाम? करण सर। करण सर हर बार हमारी हेल्प करते हैं और हर बार हमें कॉल करके बुला लेते हैं और रेस्क्यू करने में भी काफी सारी हेल्प करते हैं। ठीक है, हम लोग उसको रेस्क्यू करते हैं, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे। आप देख सकते हैं काफी बड़ा कोबरा स्नेक है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये पत्थरों के बीच में बैठा हुआ है और एक बड़ा कोबरा स्नेक है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग रेस्क्यू करते हैं, हमारे वीडियो के साथ बने रहे। एक बार दिखा दो, बैठा था क्या? तो आप लोग देख सकते हैं और सब पब्लिक भी दिखा दो एक बार कैमरा में। हाय हाय, क्या ठीक है? एक पैर के पास मेरा सदा इस दिन का। हम लोगों ने इसको रेस्क्यू कर लिया है। इसका जो वेनम होता है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, जो इंसान को अगर काट ले तो एक घंटे के अंदर अंदर मौत निश्चित होती है। तो इसलिए कोई झाड़ फूस के चक्कर में ना पड़े, सीधा हॉस्पिटल जाए, फ्री हैंडलिंग नहीं करते, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फ्री हैंडलिंग करते हैं। तो फ्री हैंडलिंग नहीं करना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं करना चाहिए। बराबर। उसके बाद मित्रांनो, आपण आता फॉरेस्ट एरियामध्ये एका कोबरा स्नेकला आपण रेस्क्यू केला आणि त्याला रिलीज करण्यासाठी आलो आहोत। हे शारोळा जंगल म्हणून आहे, खूप मोठं जंगल आहे, तुम्ही बघू शकता। हळूहळू हळूहळू तो बघू शकता, हे खूप मोठं जंगल आहे आणि प्रत्येक वेळेस आम्ही वेगवेगळ्या जागेवरती सापांना रिलीज करतो। भेटतो की ज्यावेळेस ते त्यांच्या आदिवासामध्ये साप निघून जातात त्यावेळेस आम्हाला पण खूप आनंद होतो आणि खूप छान वाटते। एक कोबराला रेस्क्यू केलेला आहे आणि त्याला रिलीज करण्यासाठी आपण आणलेलं आहे, इथं बघू शकता तुम्ही। घे त्याची शूटिंग। ठीक आहे, पण त्या तो खूप भुकेला होता म्हणून त्याला मेंढकची खूप गरज होती, म्हणून आम्ही त्याला मेंढक टाकला होता खायला आणि त्याला तसंच रेस्क्यू केलं। ठीक आहे।